क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। सर वो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने सभी एम्प्लॉयज की सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आई है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्यों नहीं आई है? हाँ मैंने तुम्हारी सैलरी अभी तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की है, वो उसका कुछ रीज़न है। तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। पास? जी। अनुष्का तुम इस कंपनी में कितने लंबे टाइम से काम कर रही हो और देखो तुम्हें इस कंपनी में कितनी कम सैलरी मिलती है, तो मैं सोच रहा था कि तुम अगर सही से काम करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा सकता हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। सर ये क्या बदतमीजी है, अगर किसी ने हम लोगों को ये सब करते हुए देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, इस तरह कोई भी मेरे ऑफिस के अंदर नहीं आएगा। तो मैं तो तुम्हारे प्रमोशन के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी सैलरी ना दोगुनी कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा करो। देखिए सर जितनी सैलरी मुझे मिलती है उतनी सैलरी में मैं खुश हूँ, और मुझे नहीं करवाना अपने प्रमोशन। मेरी जितनी सैलरी बनती है उतनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अनुष्का तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, देखो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना ये सब तो करना ही पड़ता है, और वैसे भी ये सब आज के टाइम पर ना नॉर्मल है। सर नॉर्मल होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, लेकिन तुम ये सब बोलकर अपना नुकसान करवा रही हो। देखो मेरी बात मान जाओ। सर प्लीज आप ये सारी बातें बंद कीजिए, क्योंकि मुझे घिन आ रही है आपकी इन बातों से। और सर अगर मुझे पहले मालूम होता कि आपने इस वजह से मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की है तो मैं भूल कर भी यहाँ पर कभी नहीं आती। तुम भूल रही हो कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, और तुम्हें सिर्फ वही काम करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। इसलिए मेरी बात को मान जाओ और मेरे साथ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम अपनी इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगी। सर मुझे नौकरी से निकलना मंजूर है, लेकिन ये सब करना नहीं। चलती हूँ मैं यहाँ से। जा कहाँ रही हो, आई हो तुम इस ऑफिस में अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। छोड़ो सर। सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? मैं आपकी शिकायत ना इस कंपनी के ऑनर से कर दूंगी, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस कंपनी के मैनेजर को थप्पड़ मारा? तू शायद जानती नहीं है इस कंपनी के अंदर मेरी क्या वैल्यू है, और तूने ना एक मैनेजर के ऊपर हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती की है। देख अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू मेरे साथ चल, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। सर अभी तो मैंने आपके ऊपर सिर्फ हाथ ही उठाया है, अगर आपने दोबारा से मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। साली दो कौड़ी की जॉब करने वाली मुझे धमकी दे रही है, क्या करेगी तू मेरा, बोल क्या करेगी? बस करो रोहित, बहुत हो गया तुम्हारा ये सब, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ में ऐसा करते हुए? अरे सर अच्छा हुआ जो आप टाइम पर ऑफिस के अंदर आ गए, आपको पता नहीं है ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना हमारी कंपनी में, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, काफी टाइम से मैं देख रहा था, और मैं आपको बताना भी चाहता था, लेकिन लड़की होने की वजह से मैंने नहीं बताया आपके लिए। मैंने सोचा कि शायद ये समझ जाएगी, और मैं इसको वही सब समझाने की कोशिश कर रहा था। बंद कर लो अपनी बकवास, मुझे तुम्हारे बारे में ना सब कुछ पता चल चुका है कि तुम कंपनी की लड़कियों के साथ में क्या करने की कोशिश करते हो। मैंने तुम्हें कंपनी का मैनेजर इसलिए बनाया है कि तुम लड़कियों के साथ में इतना गंदा व्यवहार करो, और वो तो अच्छा हुआ कि अनुष्का ने तुम्हारी सच्चाई के बारे में मुझे पहले ही बता दिया, वरना तुम्हारे बारे में तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि तुम इस कंपनी में लड़कियों के साथ में क्या करते हो। अब बताओ मुझे क्यों करते हो ऐसा? सॉरी सर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं किसी के भी साथ में ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज अनुष्का तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं ना बहक गया था, बस इसी वजह से ये सब करने की गलती कर बैठा। रोहित क्या तुम्हें पता है इस कंपनी को इतने बड़े लेवल पर लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और तुम एक ही झटके में इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? और हमारी इस कंपनी में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं वो बहुत मेहनती हैं, और जब बाहर के लोगों को हमारी कंपनी के बारे में पता चलेगा कि लड़कियों के साथ में इस कंपनी के अंदर ये सब होता है, तो क्या यहाँ पर कोई भी लड़की काम करने के लिए आएगी? नहीं आएगी, और हमारी कंपनी हमेशा के लिए डूब जाएगी। यही सब करना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं सर, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि ये कंपनी डूब जाए। सर मैं तो चाहता हूँ कि हमारी कंपनी इसी तरह ग्रो करती रहे। तो क्या तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी कंपनी ग्रो करेगी क्या? और सर इस कंपनी में बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ सर ने बदतमीजी की है, वो तो आपको इसलिए नहीं बता पाती हैं क्योंकि सर ने ना धमकी दी है कि अगर उन्होंने आपको बताया तो सर उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। और सर मुझे भी नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी थी। अनुष्का तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है कि आज इस मैनेजर की सारी सच्चाई तुमने मुझे बता दी और मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। और मैनेजर तुमने इतनी गंदी हरकत की है
कि माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब पर नहीं रख सकता। इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। यू आर फायर नाउ। जा सकते हो तुम यहाँ से। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ना कभी भी किसी लड़की के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। प्लीज़ सर, आप इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए और देख लेना आगे से ना आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ अनुष्का, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। प्लीज़ अनुष्का, सर से बोल करके मेरी नौकरी बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए सर, आप इस कंपनी के मैनेजर हो, अगर आप ही हमारे साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो हम अपने आप को कैसे सेफ महसूस करेंगे। और सुनो रोहित, कंपनी के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने तुम्हारे अकाउंट में 2 दिन पहले ही ट्रांसफर कर दी थी और तुमने इनकी सैलरी इस वजह से रोक ली थी ना कि तुम इनके साथ में गंदी हरकत कर सको। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इसलिए इसकी सैलरी रोकी थी ना तुमने? हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ और ना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। निकलो, बाहर निकलो। अनुष्का से बोल दिया कुछ? अनुष्का, तुम इसी तरह पूरी ईमानदारी के साथ काम करती रहो और तुम्हें इस कंपनी के अंदर कुछ भी गलत लगे तो बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम।